गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और एक न्यू वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो फिर से आप सभी को देने वाला हूं कुछ बड़ी फिल्मों का अपडेट साउथ एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है, जो कि इन मूवीज को लेकर न्यूज निकला है। तो अगर आप भी मूवीज में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। नेट घुसा के पिन निकाल दूंगा। इस लिस्ट की पहली फिल्म होने वाली है 2019 में रिलीज हुई दे दे प्यार दे, जिस फिल्म को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद किए थे। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और फिल्म ने बिजनेस करके गई थी 143 करोड़ की, जो कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है दे दे प्यार दे 2, और इस फिल्म में हम सभी को फिर से अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है मुंबई के महबूब स्टूडियो में 3 जून से। यह फिल्म आने वाली है थिएटर में अगले साल 2025 के मौके पर। जिस फिल्म को शूटिंग करने वाले हैं लंदन और पंजाब के कई इलाकों में। नंबर 2 पर फिल्म होने वाली है सुपरस्टार रजनीकांत सर की कुली मूवी। इस फिल्म के शूटिंग को लेकर एक अपडेट निकल कर आ चुकी है, चलिए आप सभी को आगे बताते हैं। आप सभी को बताते चलिए, इस फिल्म को डायरेक्शन लोकेश कनकराज सर दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत सर ने खुलासा किया है कि यह फिल्म 10 जून से फ्लोर पर जाने वाली है। यह फिल्म 4 लैंग्वेज में आने वाली है, तमिल, हिंदी और मलयालम, साथ ही तेलुगु। वहीं इस फिल्म के अंदर हम सभी को नंदमोरी बाला कृष्णा रजनीकांत के साथ एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है मास महाराजा अजय देवगन सर की और एक बड़ी फिल्म रेड 2। इस फिल्म को लेकर भी एक अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है, बड़ा अपडेट। यह फिल्म 2018 में आई रेड का सीक्वल होने वाला है। इस फिल्म में हम सभी को अजय देवगन सर, रितेश देशमुख और वाणी कपूर नजर आने वाली है। इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल का शूटिंग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में शूट किया गया है। दरअसल पहला शेड्यूल का शूटिंग अजय देवगन और रितेश देशमुख ने मुंबई में शुरू किया था। फिल्म में हम सभी को अजय देवगन सर सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक रियल लाइफ केस के ऊपर डिपेंड होने वाला है। यूपी के एक राजनेता बिजनेसमैन पर 100 करोड़ से भी ज्यादा चोरी का आरोप लगाया गया है। इस फिल्म को इस साल के आखिरी तक रिलीज करने की प्लानिंग चल रहा है। नेक्स्ट फिल्म होने वाली है सूर्या 44। यह फिल्म सुपरस्टार सूर्या सर की अपकमिंग फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का शूटिंग अंडमान में चल रहा है। फिल्म का शूटिंग 1 जून से ही शुरू हो चुका है, जो कि आप सभी को पहले भी बता चुके हैं, जो कि 40 दिनों तक शूटिंग किया जाएगा। फिल्म की तरफ से एक अपडेट आई है कि इस फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक टीजर अगले मंथ अनाउंस कर दिया जाएगा। फिल्म की अगले चरण की शूटिंग ऊटी और चेन्नई में शूट किया जाएगा। इस फिल्म में हम सभी को सुपरस्टार सूर्या के साथ पूजा हेगड़े भी देखने को मिलने वाली है। फिल्म को डायरेक्शन कार्तिक सुब्बराजू दे रहे हैं। लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है पावर स्टार पवन कल्याण सर की ओजी। यह फिल्म एक गैंगस्टर वाली फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन सुजीत देने वाले हैं। फिल्म का बजट 350 करोड़ बताई जा रही है। फिल्म में हम सभी को पावर स्टार पवन कल्याण सर, इमरान हाशमी, अर्जुन दास, सूर्या रेड्डी, प्रियंका मोहन जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। यह फिल्म अगले साल आने वाली है पोंगल के मौके पर। फिल्म आने वाली थी इसी साल लेकिन पोस्टपोन्ड हो चुकी है। देखते हैं फिल्म की तरफ से कुछ शूटिंग वूटिंग को लेकर अपडेट आती है तो आप सभी को जरूर बताएंगे। तो फाइनली इसी फिल्म के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video.